हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर भव्या झा है। मैं IVF कंसल्टेंट हूँ अपोलो मेडिकल्स IVF गुड़गांव से। और हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आते हैं पेशेंट्स की, जब वो स्पेसिफिकली पूछते हैं कि शराब के सेवन और सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू के सेवन से क्या उनके स्पर्म क्वालिटी पे कोई अफेक्ट पड़ता है कि नहीं। तो हमारी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, मतलब इन पे तो साल दर साल इतनी इतनी रिसर्चेस हो चुकी है इस फैक्ट पे कि तंबाकू सेवन या स्मोकिंग या बीड़ी के सेवन से या शराब के सेवन से स्पर्म क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है। तो आजकल हमारे सोसाइटी में लाइफस्टाइल चेंजेस और बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। लोग इतना हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रखते। 18-19 साल की उम्र से लड़के स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन या शराब का सेवन स्टार्ट कर देते हैं। बाय द टाइम उनकी शादी का टाइम आता है, 30-35 साल की उम्र तक जब वो हमारे पास चेकअप के लिए आते हैं, बच्चा नहीं हो रहा होता है, तब हमें पता चलता है कि उनका स्पर्म डैमेज काफ़ी हो चुका हुआ है। जो हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि हाँ, 10-12 साल से वो तंबाकू या शराब का सेवन कर रहे होते हैं। तो मोस्ट डेफिनेटली ये हमारे स्पर्म काउंट को बहुत अग्रेसिवली और नेगेटिवली अफेक्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात, कैसे? तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जो हमारे टेस्टिकुलर एरिया में स्पर्म प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे ये वहाँ के इन्वायरमेंट को शराब या स्मोकिंग से डैमेज होता है उस इन्वायरमेंट को, और स्पर्मेटोजेनेसिस ढंग से नहीं हो पाती है, मेच्योर स्पर्म्स की कमी हो जाती है, और DNA डैमेज भी स्पर्म्स में पाया गया है स्मोकिंग और शराब के सेवन के कारण। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन है उसी लेवल पे अफेक्ट करने लगता है अगर हम इसको इसको मॉडरेट या लिमिटेड अमाउंट में ना लें। तो क्या ये, अगर डैमेज हो गया है तो क्या ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? तो अगर कोई शराब या तंबाकू का सेवन बहुत साल से कर रहा होता है तो हाँ, डैमेज तो काफ़ी हो चुका होता है, लेकिन अगर इसको 6 मंथ्स या 1 ईयर कंप्लीटली स्टॉप कर दिया जाए तो हम देखते हैं कि, क्योंकि हर 3 महीने पे न्यू स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हर 3 महीने पे फ्रेशली होती है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि स्पर्म में इम्प्रूवमेंट आने लगती है। तो जैसे ही कोई पेशेंट आता है और इस तरह की हिस्ट्री हमें मिलती है, हम पहली चीज़ यही बोलते हैं कि अब इनका सेवन आप कुछ टाइम के लिए कंप्लीटली बंद कर दो ताकि इम्प्रूवमेंट आने लग जाए। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हेल्दी वे में भी करनी पड़ती है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ते हैं अगर बहुत टाइम से हमने इन चीज़ों का सेवन किया हुआ और डैमेज DNA लेवल पे होने लग गई है, तो सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है, खाने पीने में ध्यान रखना पड़ता है, खूब सारे हेल्दी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब का सेवन करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चेंजेस आने लग जाते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है स्पर्म, सालों सालों से अगर उसका सेवन किया जा रहा है और बहुत हैवी अमाउंट में। अब हाँ, इस चीज़ को भी मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अगर अल्कोहल मतलब शराब कम अमाउंट में लिया जा रहा है, जैसे 1 से 2 बार हफ्ते में, तो हम डैमेज इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं। लेकिन जो बहुत हैवी ड्रिंकिंग करते हैं और हफ्ते में हर दूसरे दिन ड्रिंकिंग हो जाती है, या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं लोग, तो डैमेज बहुत सिवियर होता है और कई बार इरिवर्सिबल भी होता है। मतलब अगर 15-20 साल से आप बहुत हैवी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो सडनली उसे छोड़ने पे भी 3-4-6 महीने 1 साल में हमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। तो मैं ऐसा बोलूँगी, अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं तो उसको लिमिटेड रखें, हफ्ते में 1 बार या मंथ में 2 से 3 बार, उतना अगर आप लिमिट रखते हो तो डैमेज बहुत सिवियर नहीं होता स्पर्म पे और रिवर्सिबल भी होता है। स्मोकिंग तो कई केसेस में हम देखते हैं कि बहुत लिमिटेड स्मोकर्स का भी स्पर्म काफ़ी डैमेज होता है।
तो स्मोकिंग तो ना ही करें तो बेहतर है, और अल्कोहल लिमिटेड रखें वीकली, तो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं स्पर्म को अगर फर्टिलिटी में इश्यूज आती हैं तो। थैंक यू।